हाँ जी, तो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल और अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2 से 4 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। और आईफोन लेने का अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो कौन सा आईफोन है वो आपको बाई करना चाहिए, आईफोन 13 आपको बाई करना चाहिए या फिर कुछ पैसे मिला के आईफोन 14 लेटेस्ट सीरीज आपको बाई करनी चाहिए। अगर आप लोगों को प्रो मॉडल्स हैं वो बाई करने हैं 3 कैमरा वाले जो कि आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स है, तो इनके ऊपर भी जो डील है ना वो यहाँ पर डील हो चुकी है कि कितनी इनकी प्राइस है वो आपको इस बार ही मिलेगी। और जितने भी जो आईफोन है उनके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा, सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आपको आईफोन है वो अमेजोन से बाई करना है या फिर फ्लिपकार्ट से, और कौन सा ऐसा कार्ड है जिसको की यूज करके आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट है वो यहाँ पर ग्रेव कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन है सभी के आंसर के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे, वीडियो को कम्प्लीट देखना। और यार वीडियो अगर आपको ये पसंद आती है प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल पर प्रेस कर लेना। और यार आईफोन जितने भी है ना उनके अंदर इस बारी जो ग्रीन स्क्रीन का इश्यू है वो भी आपको देखने को मिल रहा है कि आपके फोन की स्क्रीन है वो सडनली यहाँ पर ग्रीन हो जाएगी और वर्क भी नहीं करेगी। उसके बाद में आप लोग रिपेयर करवाने जाओगे तो 25 से 30 हज़ार रुपए है ना वो आपके लग सकते हैं। तो इसके ऊपर डिटेल हम लोगों ने वीडियो बना दी है, कल की डेट के अंदर आपको वो वीडियो है वो हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। और वीडियो के अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में थोड़ा यहाँ पर बात करेंगे। सेल के अंदर जो फर्स्ट आईफोन है वो आपको मिलेगा आईफोन 11। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि फ्लिपकार्ट सेल के अंदर आपको आईफोन 11 मिलेगा या फिर अमेजोन सेल के अंदर, लेकिन ये बात कंफर्म है अंडर 25,000 आप लोग आईफोन 11 है उसको यहाँ पर परचेज कर पाओगे। और ये जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ वो कार्ड डिस्काउंट लगा के बता रहा हूँ, तो 2,000 का आप लोगों को कार्ड डिस्काउंट है वो यहाँ पर मिलेगा। जैसे कि फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है उसको अगर आप लोग यूज करोगे, और इसके ऊपर नेक्स्ट हमारी वीडियो आने वाली है कैसे आप लोग इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओनली 15 मिनट की प्रोसेस है और 2 दिन के अंदर आपका कार्ड है वहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा। सेकंड हमारा स्मार्टफोन है आईफोन 12 है, तो इस बार आईफोन 12 है इसकी प्राइस आपको मिलेगी 35,000 के एप्रोक्स। अगर आप लोग कार्ड डिस्काउंट है वो लगा दोगे तो 33K का आप लोग इसको यहाँ पर बाई कर पाओगे, मतलब कि 33,000 का आप लोग बाई कर पाओगे। और फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कैप्चर किया कि आईफोन 12 के ऊपर रेडिएशन है ना वो कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा आईफोन 11 आईफोन 12 आपको इस सेल के अंदर बाई नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आईफोन 12 मिनी, इस पर इसकी जो प्राइस है वो आपको मिलेगी 30,000, लेकिन फोन की साइज है वो काफी छोटी होने के कारण मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि बाई करना चाहिए, लेकिन 30,000 है वो काफी सही प्राइस आपको मिल जाती है तो जरूर से आप लोग इसको यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा स्मार्टफोन है आईफोन 13 जिसके ऊपर हाइप है ना वो इस बार भी काफी ज्यादा है, और पिछले साल 2022 ईयर के अंदर भी हाइप है वो काफी ज्यादा थी, तो इस बार इसकी प्राइस अब आपको मिलेगी 42,000 के एप्रोक्स। अगर आपके पास में एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है तो अंडर 39,000 भी आप लोग इसको यहाँ पर देख के परचेज यहाँ पर कर पाओगे फ्लिपकार्ट की सेल के अंदर। नेक्स्ट है आईफोन 14 जो की लेटेस्ट सीरीज का स्मार्टफोन है, और ये मैं आप लोगों को 110% रिकमेंड कर सकता हूँ। इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो आपको मिलेगी 47,000 या फिर 48,000, तो इसके लिए आपके पास में फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है ना वो यहाँ पर होना चाहिए, तो भाई जुगाड़ कर लो कहीं से भी अगर आप लोग कर सकते हो। 2,500 का आप लोगों को डिस्काउंट एक्स्ट्रा है ना वो इस कार्ड के ऊपर देखने को मिलेगा। अदरवाइज आपके पास में और कोई भी कार्ड है ना तो जितने भी कार्ड है उन सभी का जो डिस्काउंट है वो हम लोग वीडियो में आगे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसकी प्राइस आपको 48,000 यहाँ पर इस सेल के अंदर मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास में कोई कार्ड नहीं है आप लोग डायरेक्टली पैसे दे के इसको यहाँ पर बाई करना चाहते हो तो नॉर्मली इसकी जो प्राइस है वो आपको 50,000 या फिर 51,000 के अप्रोक्स देखने को मिलेगी। अभी बात करते हैं आईफोन 14 प्लस की, तो आईफोन 14 प्लस है उसके ऊपर भी इस बार डिस्काउंट है वो काफी बड़ा आने वाला है। जैसे कि आईफोन 14 की प्लस की इस बार प्राइस है वो आपको 59,000 है ना वो देखने को मिली है, तो ये वाली प्राइस है वो यहाँ पर कार्ड डिस्काउंट है वो यहाँ पर इंक्लूड है, तभी आपको 59,000 की प्राइस मिलती है। अदरवाइज 62,000 की प्राइस है वो आपको मिलेगी अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है ना वो नहीं है। अभी बात करते हैं प्रो मॉडल्स के बारे में। सो आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स इनका जो यहाँ पर पोस्टर है ना वो फाइनली फ्लिपकार्ट की जो एप्लीकेशन है उनके ऊपर लगा दिया गया है। इस बार ही एक्सपेक्टेड है आईफोन 14 प्रो 128 GB बेस वेरियंट
89,000 से 92,000 के बीच में इसकी प्राइस है वो आपको मिलेगी। और वहीं हम लोग बात करें iPhone 14 Pro Max की तो 99,000 से लेके 102,000 के बीच में आपको iPhone 14 Pro Max की प्राइस है वो मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको जो प्राइस बताई है ना वो आप लोग यहाँ पर क्रेडिट कार्ड है वो यूज करोगे तभी आपको ये प्राइस मिलेगी। तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, जो भी मैंने आपको किसी भी आईफोन की प्राइस बताई है अगर आपके पास में कार्ड है ना वो नहीं है तो 2000 से 3000 है ना वो आप लोग एक्स्ट्रा ऐड कर लो और जो प्राइस आएगी वो आप लोगों को आईफोन की रियल प्राइस है वो मिलेगी। अभी बात करते हैं कौन कौन से ऐसे कार्ड है जिनको कि आप लोगों को जरूर से यहाँ पर रखना चाहिए इस सेल के अंदर। तो फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड है फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। ये जो कार्ड है ना वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी आप लोगों के लिए होने वाला है क्योंकि 2 से 2500 है ना वो आपके यहाँ पर ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। इसके लिए आपको अप्लाई करना होता है फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन से ही। 4 दिन पहले मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था और 2 दिन में यहाँ पर मेरा कार्ड है ना वो बन के तैयार हो चुका है। हालांकि मेरे घर में अभी तो यहाँ पर डिलीवर नहीं हुआ है लेकिन जो ऑटोमेटिकली जो आपका जो कार्ड है ना उसके नंबर या फिर CVV जो भी नंबर है वो फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन के आप लोग यहाँ पर देख सकते हो और यूज भी कर सकते हो। तो ऑनलाइन आप लोग उसको यहाँ पर इजीली यूज कर पाओगे। अभी बात करते हैं सेकंड कार्ड जो कि है ICICI का क्रेडिट कार्ड। इसके ऊपर आप लोगों को फ्लैट 3000 का डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा कुछ कुछ स्मार्टफोन के ऊपर और कुछ ऐसे जो स्मार्टफोन है उनके ऊपर आपको 2500 का डिस्काउंट मिलेगा। थर्ड है महिंद्रा कोटक और फोर्थ है एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। तो ये फ्लिपकार्ट से थोड़ा हटके जो वाला कार्ड है ना वो है। अभी बात करते हैं अमेजोन की तो अमेजोन के ऊपर आप लोगों को SBI का क्रेडिट कार्ड है वो यूज करना है और ICICI का जो कार्ड है उसको भी आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो। वहां पे भी आप लोगों के 2 से 3000 रुपए है ना वो और कम हो जाएंगे। तो अगर आपको आईफोन 13 बाय करना है तो अमेजोन की सेल के अंदर बाय करना और जितने भी आईफोन मैंने आपको बताए हैं वो फ्लिपकार्ट की सेल के ऊपर आपको मिलेंगे। अभी आईफोन के कुछ फ्रॉड है ना वो भी चल रहे हैं जैसे कि इनके जो लोकल स्टिकर है वो भी यहाँ पर फ्लिपकार्ट वाले लगा के दे रहे हैं। तो फ्लिपकार्ट तो नहीं कर सकते लेकिन जो बीच में डिलीवरी बॉय है वो यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो एप्पल की जो सील पैक आप लोगों को मिलती है ना आईफोन वो भी आप लोगों को ध्यान से अनबॉक्स करना है क्योंकि वो भी इस बार यहाँ पर लोकल तरीके से काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा डाउट आप लोगों को मैंने जितने भी आईफोन की प्राइस बताई है वो सारी ही 128GB बेस वेरिएंट की बताई है लेकिन मान लो आपको 256GB वेरिएंट है वो यहाँ पर बाय करना है तो उसकी प्राइस है ना वो यहाँ पर क्या होगी। तो जो मैंने आपको प्राइस बताई है उसके अंदर आप लोग 8 से 9000 है ना वो यहाँ पर प्लस कर सकते हो और जो प्राइस आएगी वो आप लोगों को 256GB वेरिएंट की प्राइस है वो एग्जैक्टली देखने को मिलेगी। अगर गाइस आपके पास में फ्लिपकार्ट की प्लस मेंबरशिप है ना वो नहीं है तो गाइस कहीं से भी जुगाड़ कर लेना क्योंकि वो आपके पास में जरूर से होनी चाहिए। 1 दिन पहले का आप लोगों को अर्ली एक्सेस है ना वो उस मेंबरशिप के जरिए आपको देखने को मिलता है। और सेकंड तो मैंने आपको बता ही दिया है एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है वो आपको जरूर से यहाँ पर उसके लिए अप्लाई करना होगा। इसके जो यहाँ पर साल का चार्ज है ना वो 500 रुपए के एप्रोक्स है लेकिन यार आप लोग एक गैजेट भी बाय करोगे ना तो 2 से 2500 का आप लोगों को फ्लैट कैशबैक है वो आपके कार्ड के अंदर मिल जाएगा। तो जो 500 रुपए की जो एनुअल फी है ना वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस ऑफर के साथ में। तो जरूर से आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। इसके ऊपर हमारी डिटेल वीडियो है ना वो कल डेट के अंदर यहाँ पर आ जाएगी तो उसका यहाँ पर जरूर से आप लोग वेट करना। बाकी अमेजोन की प्राइम मेंबरशिप है वो भी आपके पास में होनी चाहिए अगर आपको आईफोन 13 फर्स्ट डे को यहाँ पर बाय करना है। बाकी यही था इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।